मनीष कश्यप के लिए गाना गाए हैं हम, उस गाना में हमको इतना फोन करके लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बताइए हम गाना गाना छोड़ दें क्या? अब पैसा लगा मेरा, गाना हम गा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, साला कैसा दुनिया है, अच्छा करो तो भी प्रताड़ित, बुरा करो तो भी प्रताड़ित। नमस्कार दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप की जेल से बाहर आने की उम्मीद पर इन जंगल राज्य की सरकारों ने लगातार पानी फेर दिया है। बिहार में जो वर्तमान सरकार है वह पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। हर बार जो भी प्लानिंग बनाई जाती है पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालवाने की, उस पर पानी फेर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा मनमानी की जा रही है। पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर ना कोई एनएसए एक्ट से लेकर कोई जानकारी दी जा रही है और ना ही पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से रिहाई को लेकर जानकारी मिल रही है। बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप की आने की उम्मीद लगातार धीरे धीरे कम होते जा रही है। लेकिन एक वह तगड़ी चीज है जिसकी वजह से हम लोगों के पत्रकार मनीष कश्यप बिहार बहुत जल्द आ सकते हैं, वह है सभी बिहार भाइयों का सपोर्ट, सभी बिहार भाइयों का समर्थन। यदि एकजुट होकर पत्रकार मनीष कश्यप के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि जेल से उनको बाहर किसी भी तरीके से निकालना है, इन सिस्टम के छलावों को तोड़ते हुए पत्रकार मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से बिहार लाना है, तो वही एक चीज है जिसके बदौलत पत्रकार मनीष कश्यप हम लोगों के बीच आ सकते हैं। क्योंकि इन जंगल राज्य की सरकारों ने पत्रकार मनीष कश्यप को इस तरह से जकड़ रखा है जिसकी वजह से ना वह निकल पा रहे हैं और ना कुछ कह पा रहे हैं और अपनी सफाई में ना कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप को पूरे प्लानिंग के तहत उनको जेल में डाला गया है। तमिलनाडु की प्रशासन व्यवस्था ने ना अब तक एनएसए एक्ट को लेकर कोई जानकारी तमिलनाडु कोर्ट को दिया है और ना ही बेतिया न्यायालय को दिया है, ताकि पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर कोर्ट अपनी तरफ से सुनवाई कोई कर सके। उन पर बिना वजह के ही एनएसए एक्ट लगा दिया गया, ताकि बिहार में मौजूद जो सरकार है वो अपने फायदा के लिए पत्रकार मनीष कश्यप को तब तक जेल में बंद रखे जब तक उनका गद्दी न बचा रहे। पत्रकार मनीष कश्यप एक ऐसे सच्चे पत्रकार है जिसके सपोर्ट में जो भी लोग उतर रहे, चाहे वह सिंगर हो चाहे वह सपोर्टर हो, अगर वह तेजस्वी यादव को या फिर बिहार में मौजूद सरकार को पता चल जा रहा है तो उन लोगों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। मतलब मनीष कश्यप से तो घृणा था ही इन लोगों को, मनीष कश्यप के सपोर्टर से भी इन लोगों को घृणा होने लगा है। पत्रकार मनीष कश्यप के लिए जो जो भी लोग आवाजें उठा रहे हैं अब उन लोगों को भी जेल में डालने का काम इन बिहार के नेताओं ने किया है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पत्रकार मनीष कश्यप ने जो हम लोगों के लिए कर दिया वो हम लोगों को कभी भी नहीं भुलाना है। पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए हमें लगातार प्रयास में रहना है, नहीं तो पत्रकार मनीष कश्यप को मन मुताबिक वो लोग अपने अनुसार जो करना चाहेंगे वही कर पाएंगे। तो इसीलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक लोगों के पास पहुंच सके और पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाने की उम्मीद एक बार फिर से उन लोगों के जहन में जग जाए।